नमस्कार किसान भाइयों, मैं नयन गोदविया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, नैनो बी बायो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की री एग्री की ये यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। सीजन की शुरुआत हो चुकी है और चिली मतलब मिर्च एक ऐसा क्रॉप है जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किसान भाइयों को देता है, तो उसके लिए मैं अगर बात करूँ तो गुजरात है या मध्य प्रदेश है या तो फिर कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सारी जगह पे मिर्च की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है। लेकिन आप जैसे जानते हो कि री एग्री मतलब कि नैनो बी बायो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हमेशा से रेसिड्यू फ्री खेती को एक प्रचार और प्रसार में हमेशा साथ में लेके चलता है। तो हमारे सहयोगी टेराग्लेब फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो कि MP खरगोन स्थित है, वो लोग भी इसी मिशन के साथ जुड़े हैं और फार्मर को चिली का क्रॉप, मिर्च का ये जो क्रॉप है बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आए क्वालिटी वाला, उसके लिए काफ़ी वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो टेराग्लेब के साथ नैनोबी ने मिल के इस साल एक नया काम किया फार्मर के लिए, मतलब आप सबके लिए, कि हमने खुद ने 2 एकड़ में नर्सरी लगाई थी और वो पूरी, आई थिंक मैं बता पाऊंगा कि भारत में लगभग पहली बार एक रेसिड्यू फ्री पद्धति से पूरी एक नर्सरी तैयार की गई। और वो नर्सरी मैं आपको भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, सीधा आपको खरगोन MP लेके जाऊंगा और वहाँ हमारे सहयोगी संजय पाटीदार एग्रोनॉमिस्ट है, वो आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो नर्सरी है, नर्सरी को हमने पूरा रेसिड्यू फ्री पद्धति से बनाया है, उसकी आप क्वालिटी देखोगे, उसकी आप हेल्थ देखोगे तो उससे पता लग सकता है कि अगर मान लो कि नर्सरी अगर ऐसे तैयार की जा सकती है, जो मानने मतलब कोई मानता नहीं है इस चीज़ को कि बिना हेवी मॉलिक्यूल के नर्सरी बने, लेकिन हमने वो रेसिड्यू फ्री पद्धति से काफ़ी बहुत अच्छे से नर्सरी बनाई है। तो अगर नर्सरी रेसिड्यू फ्री से ऐसी पोजीशन में हो सकती है बहुत अच्छी, तो आप मानो कि उसको ट्रांसप्लांट करके जब पूरी साइकिल उसकी होगी तो उससे अगर रेसिड्यू फ्री खेती की पद्धति अपनाई जाए तो कैसे प्रोडक्शन आ सकता है, क्या क्वालिटी बन सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब आप आगे वीडियो में देखोगे कि जो 2 एकड़ में नर्सरी लगी है उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन से उसमें प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। अगर आपको भी ज़्यादा माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए इसको लेकर, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। और ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष में लोग देखें इसको कि चिली में भी रेसिड्यू फ्री पद्धति से नर्सरी बनाई जा सकती है। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके साथ नर्सरी कैसे हमने बनाई है वो साझा करना चाह रहा हूँ। हमने ये नर्सरी पूरी तरह से रेसिड्यू फ्री नर्सरी बनाई है। रेसिड्यू फ्री का मतलब है केमिकल का उपयोग जितना कम हो सके वो किया है। इसमें हमने कौन से उत्पाद उपयोग किए हैं वो मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाह रहा हूँ। हमने इसमें 7-स्टार का उपयोग किया है। 7-स्टार एक तरह से फंगस और ग्रोथ के लिए हमने उसको उपयोग किया है। इसके साथ साथ हमने BNPK, ये न्यूट्रिएंट को पौधे को अवेलेबल करवाता है, जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देते हैं उसको उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हमने BVAM का उपयोग किया है। BVAM में माइकोराइजा है, माइकोराइजा को ग्रोथ, रूट की ग्रोथ के लिए उपयोग किया है। रूट की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है, ये डायरेक्ट पौधे को मिलता है और रूट की ग्रोथ अच्छे से अच्छे होती है, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहता है। इसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए BMicro का उपयोग किया है। ये ऊपर से स्प्रे में जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट नर्सरी में दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जड़ से नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद रूट पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसका अच्छे से भोजन बने उसके लिए BCharger का उपयोग किया है। BCharger के बाद हमने पेस्ट के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए BThor का प्रयोग किया है। BThor जितने भी सकिंग पेस्ट हैं उसके लिए ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है। और अगर वाइट फ्लाई आता है, अगर वाइट फ्लाई का अटैक होता है, तो वाइट फ्लाई के लिए हमने एग्रोकिल का उपयोग किया है। एग्रोकिल वाइट फ्लाई को बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। BCECO का उपयोग हमने फंगस के ग्रोथ के लिए किया। फंगस अगर नर्सरी में आता है तो BCECO का उपयोग किया है, जैसे कि पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर फंगस का ग्रोथ ना हो। ये सारे प्रोडक्ट रेसिड्यू फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इसके अलावा हमने ये जो नर्सरी है ये पूरी तरह से रेसिड्यू फ्री बनाई है। आज आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। आइए किसान भाई, हम आपको दिखाते हैं कि पौधे की रूट की ग्रोथ कैसी होती है।
जब हम पौधा देने के लिए तैयार होता है तो उसकी रूट की ग्रोथ अच्छी होना चाहिए। ये पौधा देने के लिए तैयार है, आज किसान को जाएगा उसमें अब हम देखेंगे तो इसकी रूट की ग्रोथ देखिए। जितनी अच्छी रूट की ग्रोथ होती है पौधा उतना अच्छा मजबूत होता है, और मजबूती के साथ जब वो खेत में लगता है तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। ये पूरा लॉट तैयार है देने के लिए, और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा प्लांट किसानों को उपलब्ध करा पाएँ।